अस्सलाम वालेकुम, डेली डिलीशियस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिली पटेटो। चिली पटेटो बनाने के लिए जो भी हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। ये हमारे 7 से 8 मां लहसुन की कलियां हैं जो हमने बारीक काट रखी हैं। ये हमारे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, ये भी हमने बारीक काट रखा है। ये हमारे 2 से 3 हरी मिर्च हैं, ये हमने बारीक काट रखी हैं। और हमने प्याज हैं, प्याज हमने ऐसे अलग अलग टुकड़ों में हमने ऐसे अलग अलग कर ली थी। और इस शेप में हमने ये शिमला मिर्च काट रखी है, हमारा 1 शिमला मिर्च है। और ये हमारी थोड़ी सी ग्रीन प्याज है हमारी, ये हमारा आलू है। आलू हमने 10 से 15 लिए, आप बड़े लो तो आप 5-6 ले सकते हैं। ये हमारा सॉस है, ये हमारा सोया सॉस है 1 चम्मच। ये हमारा 2 टेबल स्पून हमारा ये चिली सॉस है। और ये हमारा घोल है, हमने 1 चम्मच हमने वो ले लिया था मैदा, और इसमें हमने थोड़ा पानी डाल घोल बना लिया है। ये हमारा 1 चम्मच सिरका है, और ये हमारा आधा चम्मच नमक है। तो हम चिली पटेटो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने आलू थे जो हमने आपको दिखाए थे वो हमने ऐसे लंबे स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब हम इसकी एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा कलर के लिए हम लाल मिर्च पाउडर डालें, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे। इन्हें मिलाएंगे। अब इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और हमने अपने आलू तैयार करे थे। इसमें हमने 3 टेबल स्पून मैदा डाला था, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था। अब हम अपने आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, तब तक हमारे आलू फ्राई होते हैं हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है। अपने ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया, पहले हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, और अपना अदरक डालेंगे। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें अपनी सब्जी ऐड कर देंगे। हमारी शिमला मिर्च है, ये हमारी प्याज है, इन्हें भी हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज और शिमला मिर्च हमारी थोड़ी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, सिरका डालेंगे, और ये हमारी सॉस डालेंगे। इसमें हमारा 1/2 चम्मच नमक है, इसे डालेंगे। ये देखो हमने 1 मिनट के लिए हमने इसे सब कुछ डाल के फ्राई कर लिया। तब हम इसमें अपना मैदे वाला घोल डालेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए हमारा सॉस तैयार है। हमारा जो हरा प्याज था हम इसे भी डाल देंगे। आप स्पाइसी कम खाते हो तो आप रेड चिली सॉस और आप ग्रीन चिली थोड़ा कम कर सकते हैं। ये देखिए मैं सॉस तैयार हो गई, हमने फ्राई हुए आलू डाल देंगे।
ये देखिए हमारा चिली पटेटो बनकर तैयार हो गए, अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर वीडियो आपको हमारी सबसे पहले मिल सके। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।